हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जबर से पानी, कभी नए पैकेट में। सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज है 26 जनवरी और आज हम जाने वाले हैं रिपब्लिक डे की परेड देखने। जी हाँ दोस्तों, हम आए हैं दिल्ली और स्पेशल दिल्ली परेड देखने के लिए आए हैं। ये है मेरा दोस्त पवन और इसके साथ इसके दो भाई भी आए हैं। तो आज पूरा दिन हम देखने वाले हैं, पूरा दिन तो क्या है, थोड़े कुछ घंटे चलेगी। तो अभी सुबह के 5:30 बज चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है आज। तो हम सबसे जल्दी उठ गए हैं और बस निकलने वाले हैं परेड देखने के लिए। परेड का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा आपको संपूर्ण दिखाएंगे इस पूरी वीडियो के अंदर, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, निकल चुके हैं हम दिल्ली की अंदरून गलियों से होते हुए मेट्रो पकड़ने। हम आए हैं नारायण विहार के अंदर और अभी हम यहाँ से दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़ेंगे और फिर कहाँ जाएंगे दीपवन? कर्तव्य पथ जाएंगे, डायरेक्ट जाती रहता है। सचिवालय जाएंगे, सचिवालय से फिर हम जाएंगे कर्तव्य पथ। पता नहीं है भाई, सब जयपुर से आए हुए हैं तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं किधर के जाना है। सीख रहे हैं चीज़ों को और पूरे सफर में आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राहुल भी जुड़ चुके हैं, एक बड़े यूट्यूबर हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं इनके। राहुल कुछ बताना चाहोगे आपके चैनल के बारे में, आप क्या बनाते हैं उस पर? जी हम तो नॉर्मल फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। बहुत ही बड़ा चैनल इनका, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हमारे साथ हो गया स्कैम, नारायण विहार मेट्रो स्टेशन गाइड नंबर 1 बंद था। मेट्रो किधर से यार? सरकार की गाइडलाइन थी कि मेट्रो खुली रहेगी, लेकिन वो मेट्रो बंद है, लेकिन वो बंद थी नारायण विहार गेट नंबर 1। ऐसा क्यों अपने साथ? क्योंकि पनौती चल रही है। गाइस मिल गई है। नारायण विहार 2 खुला हुआ है और नारायण भवन जो हमारा ब्लॉग देख रहा है, प्लीज़ गेट नंबर 2 से एंट्री करें यार। नहीं, वहाँ पर एक बंदा था पुलिस वाला, वो बोलता है दोनों बंद है, कैब करा लो। दोस्तों टिकट मिल चुकी है और ये टिकट है बिल्कुल फ्री, इसका कोई भी शुल्क नहीं लगा है, हालांकि इसके लिए लाइन में लगना पड़ा। पवन हाँ। कौन बोल रहा था कि ठंड नहीं है? अरे नहीं है ठंड यार, इतनी नहीं नहीं है क्या ठंड? अच्छा देख, ये तो कुछ पहन के नहीं आया। कहाँ है ठंड यार? नहीं है बिल्कुल नहीं है। बड़ा मैं मम्मी को दिखाऊंगा बड़ा। हाँ कुछ पहन के आया ना, दिखाना मम्मी को। कितनी लंबी लाइन है? लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की लंबी लाइन है। 2 किलोमीटर लंबी लाइन है। हम क्या जबरदस्ती नीचे घुस गए? अरे नहीं घुसे यार, आगे लेके यार। हम गलत लाइन में घुस गए थे, 12 में घुस गए थे, इनक्लोजर 12 में। फिर हमने पूछा, लोग भी रहते हैं यहाँ पे जिन्होंने हमें सजेस्ट कर दिया। तूने सच्चाई बताई कि हम जबरदस्ती घुस गए। दोस्तों दूसरी चेकिंग भी हो चुकी है कम्प्लीट और अब एक चेकिंग और बाकी है। 3 चेकिंग होने के बाद मतलब कि एक पिन भी ले सकता इंसान अंदर, इतनी हाई चेकिंग हो रही है और होनी भी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा पार्व है। 20,000 के आसपास लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ मैं रुका हुआ हूँ, 20,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, तो चेकिंग तो होनी चाहिए। 2 चेकिंग हो चुकी है, 1 चेकिंग और होगी। अब हो गया, और एक चेकिंग और होगी, अभी तो 2 ही हुई है। देखते हैं, देखो और बहुत पब्लिक आई, 20,000 के ऑलमोस्ट पब्लिक है, 20,000। ये मैं बता रहा था कि एक पिन तक अंदर नहीं जा सकते, मतलब कि पिन लाया हूँ मैं। पिन लाया? पिन लिया क्या यार? मेरी बात तो तुमने कटाक्ष कर दिया। खैर वो बात नहीं है, लेकिन अभी चश्मा लेके आया था राहुल और चश्मा दे दिया। फिर क्या तू रख गया है? कड़ा अलाउड नहीं है, कड़ा अलाउड नहीं है। 203 एंट्री भी पार कर ली है हमने और खतरनाक एंट्री, इसमें तो पूरा नाम हम सब आ गया था। दोस्तों फाइनली एंट्री हो गई, 1,000 साल बाद 1,000 साल बाद एंट्री हो चुकी है। और ये क्या है? अच्छा व्यू है, एक झरने का, ये झरना है, क्या है? अच्छा है। वो भी अभी अच्छा है। और ये चढ़ चुके हैं, देखते हैं। ओ भाई 14 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के दौरान दुश्मन के 6 सेवर वायुयानों ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर भारी गोलीबारी की। आक्रमण के दौरान उड़ान भरने के प्रयास में ये रहा इंडिया गेट जोखिम में डालकर 18वीं स्क्वाड्रन के फ्लाइंग अफसर निर्मल जीत सिंह सेखों, जो एक लड़ाकू विमान पायलट थे, ने उड़ान भरने। ठंडा होने वाला है, सभी खड़े हो गए हैं। मातरम मातरम चूड़ी का नेतृत्व और तिरंग वाहन का सवाल मेजर तूफान सिंह चौहान, 19 मराठा लाइट इन्फेंट्री फ्रेंच बैंड।
टैंक आगे टैंक शानदार यार बढ़िया बनाया है नकली हैं बढ़िया डांस हो रहा है भाई। तो भाई चरखे क्या बना रहे हैं तेजस में बनी थी ना दिखा रहे हैं यार हमके वहाँ सूर्य मंदिर वगैरह जो है कोणार्क हवा मिल गया है क्या देख चुके हैं पवन घूमने लायक ही नहीं है यार एक्सपीरियंस बताओ यार एक्सपीरियंस अच्छा रहा बहुत अच्छा रहा यार बहुत अच्छा रहा कि यार बचपन से टीवी देख के फिर लाइव देखा बहुत अच्छा लगा लाइव का अलग ही एक मजा होता है एक अलग ही फील होता है एक अलग ही जब ध्वजारोहण हुआ तब सब खड़े हुए पूरा 20,000 क्राउड अब कहां जा रहे हैं अपन सरोजिनी नगर क्योंकि सब कुछ बंद है यहां पर आज 26 तारीख है अरे नीचे पर नीचे मेरे साथ इधर